यार अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी फेस वॉश शूट नहीं कर रहा है, कोई भी फेस वॉश अगर यूज कर रहे हो तो इचीनेस, रेडनेस और बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है अपनी स्किन पे, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बिकॉज इस वीडियो में मैंने एक सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम को पिक करके एक वीडियो बनाया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि आपकी स्किन पे फेस वॉश शूट नहीं कर रहा है, और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, और बेस्ट फेस वॉश आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कैसे चूज कर सकते हो। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एक्ने टॉक्स विद शुभम। दोस हु आर न्यू, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एवरी संडे, जिसमें मैं लोगों के क्वेश्चन पिक करता हूँ, उनकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, जैसे कि वो एक्ने है, डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स है, या कोई भी प्रॉब्लम है वो मैं पिक करता हूँ और उसके ऊपर जो है वीडियो बनाता हूँ। तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके बारे में बन जाए। सो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हैशटैग एक्ने टॉक्स विद शुभम और अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, और उसके ऊपर मैं नेक्स्ट संडे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ये मेरा यूजर नेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल शुभम, वहां पे मैसेज करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो ये बात थी जो पहली बार आया, जो लोग देख रहे हैं। सो आज का टॉपिक है कि एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की हमारे साथ कि उनको कोई भी फेस वॉश जो है सूट नहीं कर रहा है। अगर आप उनमें से हैं, अगर आपकी भी सेम प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, भले वो फेस वॉश से रिलेटेड जो भी चीजें हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से आपको सुनना है और नोट करना है बातों को, ठीक है। सो कोई भी फेस वॉश अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, भले सेंसिटिव स्किन हो, ऑयली स्किन हो, एक्ने प्रोन स्किन हो, ठीक है, अगर कोई भी फेस वॉश सूट नहीं कर रहा है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और वीडियो के एंड में मैं ये बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो देखो यार, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा साइंटिफिकली। देखो, अगर आपकी स्किन को कोई भी फेस वॉश सूट नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। पांच तरह की स्किन होती है, ऑयली, कॉम्बिनेशन, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव एंड नॉर्मल स्किन, ठीक है। तो अगर सेंसिटिव स्किन है उसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आप कोई भी फेस वॉश, कोई भी क्रीम यूज कर रहे हैं तो उसका आपको रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, इचिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, या कोई भी चीज जो कि अननेचुरल लगे, आपको अजीब लगे, जो आपके साथ डेली रूटीन में नहीं हो रहा है वो हो रहा है, तो ये आपको एलर्जी हो रही है, ठीक है। अभी एलर्जी किसी चीज से भी हो सकती है, भले वो फेस वॉश हो, मॉइस्चराइजर हो, कोई क्रीम हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, आपको उससे एलर्जी हो सकती है। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक बार रीजन बताना चाहता हूं कि आपको क्यों हो रहा है। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, एक चीज मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखो, अगर आप बार बार अपना फेस वॉश चेंज कर रहे हो या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो जो कि आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है, और आपको सही गाइडेंस नहीं मिला हुआ है, आपको सही नॉलेज नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए हमारी स्किन पे, तो हो सकता है आपकी स्किन जो है एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गई है प्रोडक्ट्स को लेके। तो या तो आपने बहुत सारे फेस वॉशेस चेंज किए हैं रिसेंटली, या आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, या आपने अपनी स्किन को एक्स्ट्रा एक्सफोलिएट किया है, एक्स्ट्रा स्क्रब किया है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है, ठीक है। अब सेंसिटिव स्किन ऐसी स्किन है जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है, उस पर आप कुछ भी यूज कीजिए आपको साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप बार बार अपना फेस वॉश बदल रहे हो तो प्लीज ये चीज बहुत ही गलत है आपकी स्किन के लिए। अगर कोई फेस वॉश यूज वर्क नहीं कर रहा है तो हो सकता है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बार 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 फेस वॉश चेंज करते रहना है, नहीं मेरे भाई, आपको पहले रिसर्च करनी है, पता लगाना है राइट फेस वॉश कैसे चूज करें, वीडियो बनाई हुई है यहां पर, आपको आई बटन में वीडियो दे रहा हूं कैसे आपको चूज करना है कि कौन सी जो फेस वॉश है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये वीडियो देखो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो बार बार अपनी फेस वॉश चेंज मत करो, इससे आपकी स्किन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ना सिर्फ फेस वॉश, कोई भी प्रोडक्ट जाए, वो मॉइस्चराइजर हो, क्रीम्स हो, कुछ भी हो, एक्ने ऑइंटमेंट्स हो, बार बार आपको चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक्स्ट्रा एक्सफोलिएट नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्क्रब्स को 3 से 4 बार पर वीक यूज करते हैं, कुछ लोग डेली यूज करते हैं कि हम, हमारी स्किन चमक जाएगी, हम गोरे हो जाएंगे, उससे होता क्या है,
एक्स्ट्रा डैमेज आप अपनी स्किन को दे रहे हो, बिकॉज जितने भी स्क्रब्स हैं अगर वो नेचुरल नहीं है तो उनके अंदर केमिकल्स हैं और वो आपकी स्किन को डैमेज करेंगे अगर आप उनको ओवर यूज करोगे, ठीक है। तो अति हर चीज की बुरी होती है, भले वो कुछ भी चीज हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आज ही इस चीज को स्टॉप कर दो, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा एक्सफोलिएट नहीं करना है, स्क्रब वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक इससे मोर देन सफिशियंट होता है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना होता है। धूप से एलर्जी हो सकती है आपको, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी स्किन फोटो सेंसिटिव होती है तो हो सकता है उनको धूप से एलर्जी हो। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि धूप में जाने के बाद आपकी स्किन पे अजीब सी रेडनेस हो जाती है, इचीनेस फील होती है, तो आपकी स्किन जो है फोटो सेंसिटिव हो चुकी है आप सन के थ्रू, तो अगर आप उसको फिक्स करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं वो सब नेचुरल यूज करने हैं या होम रेमेडीज यूज करनी है, कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर फ्रेग्रेंस हो, फ्रेग्रेंस से मेरा मतलब खुशबू जो भी हर प्रोडक्ट की होती है, भले वो सोप हो कुछ भी हो, और आपको अपने फेस पे सोप यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन को ड्राई आउट कर रहा है तो वो आपकी एलर्जी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, मॉइस्चराइज रखने का सबसे बेस्ट तरीका है एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल यूज कीजिए, कोकोनट ऑयल यूज कीजिए या कोई भी ऐसी चीज यूज कीजिए जो आपकी स्किन के ऊपर लाइट हो। आप कच्चा दूध इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा किया बिकॉज मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता था, तो मैंने वही चीजें करी थी। नेचुरल रेमेडीज से बेस्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो आप ये चीजें कर सकते हो। अब लेकिन अल्टरनेटिव क्या है फेस वॉश का, बिकॉज फेस वॉश खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए। तो आप जो कर सकते हैं वो आप पाउडर फेस वॉशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर फेस वॉशेस आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी बहुत ही ज्यादा चीप रेट्स में, आपको कई तरह की फेस वॉशेस आपको मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा है इजी है यूज करना। पाउडर आएगा उसके ऊपर हल्का सा पानी डालिए, उसको मिक्स कीजिए और अपना फेस उससे क्लीन कर लीजिए। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से फेस वॉश बने ताकि वो आपकी स्किन को जो है हार्म नहीं करेंगे, उल्टा फायदा ही पहुंचाएंगे। सो ऐसे फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए, या आप रस्टिक आर्ट का नेचुरल जो है फेस वॉश है वो यूज कर सकते हो। रिव्यूज पे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको मैं आई बटन में दे दूंगा वो वीडियो भी। तो रस्टिक आर्ट का जो है आप फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हो, और राइट फेस वॉश कैसे चूज करना है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई मैंने भाई, कि आपकी स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश जो है बेस्ट रहने वाला है और वर्स्ट फेस वॉशेस की वीडियो भी बनाई हुई है। सो आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। #acnetalkswithshubham और डिजिटल शुभम यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे, वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। सो कोई भी डाउट है आप बिंदास पूछिए, जरूर आपकी हेल्प की जाएगी। सो आज की तरफ से मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन, नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।